एवरीवन दिस इज सागर एंड गाइस आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ लेटेस्ट कोरियन ड्रामा कॉल इट लव का, जो कि बहुत ही कमाल का कोरियन ड्रामा है। अब आपको ये देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस हाँ, अब बात करते हैं इस कोरियन ड्रामा के बारे में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना जरूर, क्योंकि इससे आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन मुझे पड़ता है और मेरी टीम को भी। तो गाइस प्लीज इसको दबाएं और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ड्रामा लवर तक, क्योंकि मेरे सराउंडिंग में से तो कोई भी कोरियन ड्रामा लवर तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए मैं आपसे बात ही करना कोरियन ड्रामा की प्रेफर करता हूँ। तो गाइस बात करते हैं कॉल इट लव की। ये कोरियन ड्रामा लेटेस्ट कोरियन ड्रामा की कैटेगरी में आता है, अगर मैंने इसके सारे एपिसोड्स को नहीं देखे, लेकिन आज इतने एपिसोड देखे उसी के बेसिस पे आज का रिव्यू होने वाला है। तो गाइस हाँ, मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस कोरियन ड्रामा के बारे में, इस कोरियन ड्रामा के बारे में कितने एपिसोड है, क्या रेटिंग है, क्या एमडीबी रेटिंग है, वो सब आपको मैं स्क्रीन पे आपकी फोन स्क्रीन पे शो करवा दूंगा। तो अब बात करते हैं इस कोरियन ड्रामा की। तो बस कोरियन ड्रामा की कहानी शुरू होती है वहां से जहां से हमारी फीमेल लीड का जन्म होता है। हमारी फीमेल लीड की लाइफ ठीक चल रही होती है, लेकिन उसके बाद उसकी लाइफ में एक औरत आती है जो कि जिंदगी बर्बाद कर देती है। अब वो जिंदगी बर्बाद कौन करती है, वो होती है उसके फादर की गर्लफ्रेंड। जी हाँ गाइस, फादर की गर्लफ्रेंड उसकी जिंदगी खराब कर चुकी है, तो अब वो अपने फादर की गर्लफ्रेंड से बदला लेगी। उसके फादर भी सॉलोमन बॉय की तरह होते जा रहे हैं, लेकिन अब वो नहीं छोड़ेगी। वो फीमेल लीड उसके फादर के गर्लफ्रेंड का जो बेटा है उसके क्लोज आती है, और जब क्लोज आती है तो हो जाता है प्यार। अब इसमें प्यार तो हो गया है, अब वो उसको हार्म करेगी, उससे बदला लेगी, या फिर वो अपने दिल के सामने हार जाएगी। ये क्या, इसके आगे की क्या स्टोरी हो सकती है, क्या लगता है आपको, यहाँ पे प्यार पूरा होगा या फिर यहाँ पे रिवेंज पूरा होगा? इसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ शुरू होती है। तो देखो मैं बता दूं, ये कोरियन ड्रामा आपको देखना चाहिए नहीं, ये दो कैटेगरी का आता है। पहला कि जो डाई हार्ड कोरियन फैंस है वो तो देख डालेंगे लाइक मी एंड यू, लेकिन जो प्रो ऑडियंस है जो कि मास मसाला जाती है, जिसके पास इंस्टेंट टाइम नहीं है किसी भी चीज का, तो उसको ही पसंद नहीं आने वाला, क्योंकि भाई स्टार्टिंग में टाइम लगेगा। और स्टार्टिंग में जो मैं बताऊं रोना धोना था, सीरियसली मुझे तो इमोशनली कर दिया उसने। मैंने कोशिश किया कि मैं अपने आप को ना रोकूं, क्योंकि फीमेल लीड इतनी प्यारी होती है और उसके साथ इस तरीके का बिहेव होता है कि आंखें भर आती है। लेकिन मैं आपको स्पॉइल बिल्कुल नहीं करूंगा, हालांकि मैंने कर दिया है। फिर भी आपको आने वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स अच्छे लगेंगे। ये उतना अनप्रेडिक्टेबल तो मैं नहीं कहूंगा कि आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, काइंड ऑफ कुछ चीजें आपको प्रेडिक्टेबल लगेंगी, लेकिन इस कोरियन ड्रामा की जो स्टोरी है, लेकिन लास्ट में अगर आप इस चीज को सेंटर में रख के चलते हो कि लास्ट में फीमेल लीड का रिवेंज पूरा होता है कि फीमेल लीड का प्यार पूरा होता है या दोनों ही, तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कोरियन ड्रामा। वेल ये थे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे थॉट्स इस कोरियन ड्रामा को लेकर। हालांकि मैं अपनी रेटिंग की बात करूं तो मैं इसको दूंगा 10 में से 8 की, क्योंकि मुझे तो ये एंटरटेन किया है कोरियन ड्रामा, और मुझे कोरियन ड्रामा बहुत पसंद आया। अब इसका एक अलग रीजन है, वो है इसकी फीमेल लीड। जी हाँ गाइस, इसकी फीमेल लीड के आगे मैं निस्तनाभूत हो चुका हूँ, क्योंकि बहुत क्यूट फीमेल लीड है। कास्ट एकदम परफेक्ट, एकदम A1 कास्ट चुनी है इन्होंने, और जिस तरीके से इमोशंस, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत कमाल का है। बैकग्राउंड म्यूजिक तो इसका मुझे बहुत प्यारा लगा, तो मैं सारे YouTube पे सुनने वाला हूँ। तो ये था गाइस मेरा फाइनल रिव्यू इससे रिलेटेड। आपको कैसा लगा ये, आप मेरे इससे एग्री करते हो या नहीं करते हो, या डिसएग्री करते हो, कुछ भी करते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे कि औरों को फर्क पड़ेगा। तो हाँ, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पे।